नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कंगाल डॉग वर्सेस ग्रेडियन डॉग। कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू किया जाए। ओरिजिन, कंगाल शेफर्ड डॉग का ओरिजिन टर्की से है, तो वहीं पे ग्रेडियन का ओरिजिन जर्मनी से है। यूजर्स रेटिंग, जहां यूजर्स रेटिंग में कंगाल शेफर्ड डॉग को 5 out of 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है, तो वहीं पे ग्रेडियन को भी 5 out of 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है। बार्किंग, कंगाल शेफर्ड डॉग और ग्रेडियन डॉग दोनों ही बहुत ही कम बार्क करते हैं। पॉपुलैरिटी रैंक, कंगाल शेफर्ड डॉग की पॉपुलैरिटी रैंक 92 है, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग की पॉपुलैरिटी रैंक 14 है। साइज, कंगाल शेफर्ड डॉग जाइंट साइज के होते हैं, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग भी जाइंट साइज के ही होते हैं। ट्रेनेबिलिटी, दोनों ही डॉग ब्रीड को ट्रेन करना थोड़ा इजी होता है। वॉच डॉग एबिलिटी, कंगाल डॉग और ग्रेडियन डॉग दोनों ही बहुत ही अच्छे वॉच डॉग होते हैं। कोट एंड कलर्स, कंगाल शेफर्ड डॉग डेंस कोट के होते हैं और ये ब्लैक एंड ग्रे और ग्रे और क्रीम कलर में पाए जाते हैं, तो वहीं पे ग्रेडियन शॉर्ट कोट के होते हैं और ये ब्लैक ब्लू वाइट फॉन ब्रिंडल और मैरल कलर में पाए जाते हैं। ग्रूमिंग, कंगाल शेफर्ड डॉग को एवरेज ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं पे ग्रेडियन को बहुत ही कम ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। शेडिंग लेवल, कंगाल शेफर्ड डॉग बहुत ही ज़्यादा शेड करते हैं, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग बहुत ही कम शेड करते हैं। प्राइज, कंगाल शेफर्ड डॉग का एक पपी आपको इंडिया में 60,000 to 70,000 के अराउंड मिल जाएगा, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग का एक पपी आपको 27,000 to 35,000 के बीच में मिल जाएगा। सोशल नीड, कंगाल शेफर्ड डॉग को ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आदमी को देखकर अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे डॉग को देख के अग्रेसिव हो जाते हैं। तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग को बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव और फियरलेस नेचर के होते हैं। लाइफ स्पैन, कंगाल शेफर्ड डॉग की लाइफ स्पैन 11 to 15 ईयर्स की होती है, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग की लाइफ स्पैन 7 to 11 ईयर्स की होती है। अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग, कंगाल शेफर्ड डॉग अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग नहीं होते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा स्पेस चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, जो कि अपार्टमेंट पे उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो वहीं पे ग्रेडियन को आप किसी भी तरह का अपार्टमेंट में आसानी से रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेम्परामेंट, कंगाल शेफर्ड डॉग की टेम्परामेंट इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टिव अलर्ट सेंसिटिव सेल्फिश काम और कंट्रोल्ड होती है, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग की टेम्परामेंट लविंग इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंट फ्रेंडली डिवोटेड जेंटल और रिजर्व होती है। बाइट फोर्स, कंगाल शेफर्ड डॉग की बाइट फोर्स 743 PSI की होती है, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग की बाइट फोर्स 238 PSI की होती है। हाइट, कंगाल शेफर्ड डॉग में मेल्स की हाइट 77 cm to 86 cm तक की हो सकती है, तो वहीं फीमेल्स में 72 cm to 77 cm तक की हो सकती है। तो वहीं ग्रेडियन डॉग में मेल्स की हाइट 76 cm to 86 cm तक की हो सकती है और फीमेल्स की हाइट 71 cm to 81 cm तक की हो सकती है। स्ट्रेंजर्स फ्रेंडली, वैसे देखा जाए तो कंगाल शेफर्ड स्ट्रेंजर्स को उतना लाइक नहीं करते हैं और ग्रेडियन भी बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों में देखा जाए तो कंगाल शेफर्ड डॉग उतने ज़्यादा स्ट्रेंजर्स पे अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेडियन स्ट्रेंजर्स को बाइट भी कर सकते हैं। बाइटिंग पोटेंशियल, कंगाल शेफर्ड डॉग की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही लो है, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग की बाइटिंग पोटेंशियल मॉडरेट है। वैसे देखा जाए तो ग्रेडियन डॉग कंगाल शेफर्ड मुकाबले थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। वेट, कंगाल शेफर्ड डॉग में मेल्स की वेट 50 kg to 66 kg तक की हो सकती है और फीमेल्स की वेट 41 kg to 54 kg तक की हो सकती है, तो वहीं पे ग्रेडियन में मेल्स की वेट 54 kg to 90 kg तक की हो सकती है और फीमेल्स की वेट 45 kg to 59 kg तक की हो सकती है।
इंटेलिजेंस रेटिंग, कंगाल शेफर्ड डॉग को 3 stars out of 5 stars की इंटेलिजेंस रेटिंग मिली है, तो वहीं पे ग्रेडियन डॉग को 4 stars out of 5 stars की रेटिंग मिली है। इसका मतलब ये है ग्रेडियन डॉग कंगाल शेफर्ड डॉग से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो यारो, आज का कंपैरिजन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।